खबर सिंगरौली जिले के मोरबा थाना क्षेत्र से, जहां एक कियोस्क संचालक ने महिला के खाते से करीब 1,60,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की। फरियादी बसंती बसोर ने बताया कि जमीन विस्थापन में मिला मुआवजा की राशि 1,60,000 रुपए को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नहीं निकाल लिया, जिसकी जानकारी महिला को तब हुई जब कियोस्क सेंटर में पैसे निकालने के लिए महिला गई थी, जहां से पता चला कि उसके खाते में पैसे नहीं है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामले की जांच शुरू की और पूछताछ में पता चला कि कियोस्क संचालक धोखाधड़ी करने के बाद दिल्ली भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसकी तफ्तीश चल रही थी और उसी तफ्तीश में ही शंका हुई थी और उसी शंका में उसको तलाश की गई थी और उसको पकड़ा गया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से 24 ऐसे प्रिंट निकले हैं, जो थंब इम्प्रेशन जो है उनका उसके पास था, जिससे हम बना करके इम्प्रेशन बना करके और पैसे निकालता था उनके खातों से। ये आदमी उनके खातों से पैसा निकालता जिसको मुआवजा वजा मिलता था, पैसे से थोड़े थोड़े पैसे बाहर निकालता था। इस तरह 2,90,000 रुपये तो उसने स्वीकार किया है कि उसने पैसे निकाले। अभी तक 10-12 लोगों ने इस बात की रिपोर्ट की है कि उनके साथ उनके खातों से इस तरह से पैसा गया है।